हेलो फ्रेंड्स इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में हम आईआरडीए के एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करके टर्म इंश्योरेंस के लिए टॉप फाइव कंपनी फाइंड आउट करने वाले है इसके लिए हम आई के फिनांशियल ईयर टू थाउजेंड के एनुअल रिपोर्ट को रेफर करेंगे जिसे आई ने 10 फरवरी 2021 को अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है और साथ में आई के पिछले पांच साल के एनुअल रिपोर्ट को भी रेफर करेंगे हम टॉप फाइव कंपनियों को फाइंड आउट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर, जो कि इस प्रकार है सबसे पहले नंबर्स ऑफ क्लेम्स हैंडल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट सिक्स इयर्स अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो टलमेंट रेशस्ट सिक्स क्लेम रिजेक्शन रेशियो ऑफ लास्ट ईयर और रेशियो ऑफ कंपनी यह बहुत जरूरी है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते एंड अदर फैक्टर्स जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो के बीच में करता रहूंगा दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता क्या है तो सिंपली आप जान ले इंश्योरेंस कंपनी के पास जो टोटल क्लेम्स होते हैं उसमें से जितने परसेंट क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड करती है उस परसेंटेज को क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहते हैं यदि कंपनी के पास 100 क्लेम है और कंपनी ने 98 क्लेम सेटल किया तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 98 परसेंट आप सभी इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो और उन्होंने कितने क्लेम हैंडल किए हैं और कितने क्लेम सेटल किए हैं इसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं अब यहाँ पर हम सिर्फ उन कंपनियों को देखेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 2500 से ज्यादा क्लेम हैंडल किए है। यहाँ पर हम उन कंपनियों को बाहर करेंगे जिन्होंने 2500 से कम क्लेम हैंडल किए हैं इसका मुख्य कारण यह है कि जिस कंपनी ने ज्यादा क्लेम हैंडल किए हैं इससे उसकी क्लेम को हैंडल करने की स्ट्रेंथ का पता चलता है यहां पर 11 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास लगभग 2500 से कम क्लेम आए थे अब अपने पास 13 कंपनियां बचती हैं, जो इस प्रकार हैं। अब इन 13 कंपनियों में से उन कंपनियों को बाहर करेंगे जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लास्ट ईयर 95 परसेंट से कम है यहां पर एस लाइफ और श्रीराम का सेटलमेंट रेशियो 95 परसेंट से कम है आपकी जानकारी के लिए बता दू एस लाइफ का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 5.14 परसेंट है मतलब एस लाइफ ने सौ क्लेम्स में से लगभग पांच क्लेम रिजेक्ट किए हैं और श्रीराम का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 8.23 परसेंट है अब हमारे पास 11 कंपनियां बचती हैं अब हम इनका लास्ट सिक्स इयर्स का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे यदि सिर्फ इस ईयर के डेटा को देखें तो कोटेक महिंद्रा को छोड़कर बाकी नौ कंपनियों ने एल को क्लेम सेटलमेंट में पीछे छोड़ दिया है लेकिन दोस्तों लास्ट सिक्स के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पर देखेंगे तो एल नंबर वन पर है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कांस्टेंट रहा है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं एच डी लाइफ ने अगेन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट की है इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो टू थाउजेंड में नाइन्टी था वही एटीन और नाइनटीन में यह नाइन्टी से भी ज्यादा है और इसके छह साल का एवरेज नाइन्टी हो गया है अब बात करते हैं लास्ट सिक्स के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की आप यहां देख सकते हैं यहां भी एल नंबर वन पर है और इसके अमाउंट सेटलमेंट का रेशियो 95 परसेंट से ऊपर है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एल आई सी मैक्स लाइफ टाटा ए आई ए आईसीआई प्रोडेंशियल एक वन टू फोर पोजिशन में नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो में भी थे और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में भी इसके अलावा जो सात कंपनियां हैं उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे हुई है यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एच डी एफ सी लाइफ ने यहाँ भी कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट की है इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 2014-15 में 65.55 परसेंट था वहीं 1920 में 92 परसेंट से ऊपर है ओवरऑल भी यदि हम देखें तो सेटलमेंट बहुत ही अच्छा होता जा रहा है जो की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है अब हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो को इक्वल वैल्यू देते हैं और इन दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्लेम सेटलमेंट और अमाउंट सेटलमेंट का एवरेज मिल जाएगा यहाँ पर आप इन दोनों के एवरेज को देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं एल नंबर वन पर है वैसे भी एल इंडिया की नंबर वन कंपनी है तो यहाँ इस लिस्ट में क्लेम और अमाउंट सेटलमेंट के एवरेज में जो दो कंपनी सबसे नीचे है उसको हम अपने लिस्ट से बाहर करते हैं। अब अपने पास नौ कंपनी बचती दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमें यह पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने क्लेम आए उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए लेकिन बचे हुए क्लेम का क्या, क्या, क्या हुआ यह पता नहीं चलता वो पेंडिंग भी हो सकते हैं रिजेक्टेड भी हो सकते हैं या अनक्लेम्ड भी हो सकते हैं इसलिए हमें यह देखना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितने परसेंट क्लेम रिजेक्ट किए हैं अब हम क्लेम रिजेक्शन रेशियो को देखते हैं आप यहाँ सभी कंपनियों का क्लेम रिजेक्शन रेशियो देख सकते हैं यहाँ अब हम टू परसेंट से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट करने वाली कंपनियों को बाहर करेंगे तो आदित्य बिरला और कोटक महिंद्रा हमारी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं अब अपने पास सात कंपनियां बचती हैं अब बात करते हैं सोल्वेंसी रेशियो के बारे में दोस्तों रेशियो का मतलब है एक इंश्योरेंस कंपनी ने जितने सम इंश्योर्ड की सेल की है और उस कंपनी में जो अनुमानित क्लेम्स हैं और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है आईआरडीए की गाइडलाइन के अनुसार इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका सोल्वेंसी रेशियो 1.5 होना जरूरी है मतलब एक कंपनी का जितना भी अनुमानित क्लेम है उसके डेढ़ गुना रिजर्व उन्हें रखना होता है एक कंपनी का जितना ज्यादा सोलवेंसी रेशियो होता है उतना ही अच्छा है आमतौर पर क्लेम्स में इस मार्जिन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब बड़े लेवल पर तबाही होती है नेचुरल डिजास्टर होते हैं महामारी होती है तो यह बहुत ही काम का हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे प्रोत्साहित जरूर करें अब देखते हैं इन सात कंपनियों की लिस्ट को सोलवेंसी मार्जिन के साथ और टॉप फाइव कंपनियों को फाइनल करते हैं यहां पर मैं एल को नंबर वन पर रखता हूं लास्ट ईयर जितने भी इंडिया में क्लेम्स आए थे उसमें से एल के पास 87% परसेंट क्लेम थे उसके बावजूद जो सेटलमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी काफी अच्छा है दूसरे नंबर पे मैं मैक्स लाइफ को रखना चाहूंगा क्योंकि इस ईयर क्लेम सेटलमेंट में यह नंबर वन पर है और मैक्स लाइफ लगातार तीसरे साल क्लेम सेटलमेंट में एल से भी आगे है तीसरे नंबर पर मैं टाटा ए और एच को रखूंगा एच को ऊपर लाने के दो मेन रीजन है पहला लास्ट ईयर इस कंपनी ने सबसे कम क्लेम रिजेक्ट किए हैं इसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो 0.55 परसेंट है मतलब 200 क्लेम्स में से सिर्फ एक क्लेम इसने रिजेक्ट किए है और दूसरा लास्ट टू ईयर से लगातार 99 परसेंट से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चौथे नंबर पर मैं आई सी और बजाज अलायस को रखता हूँ इसका कारण है इनकी सेटलमेंट ब्रांड वैल्यू और बजाज को ऊपर प्रमोट करने का मुख्य कारण है इसका हाई सोलवेंसी रेशियो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर मैं रखता हूँ रिलायंस को नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्ट इज प्रीमियम यह अभी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है आप प्रीमियम को ऑनलाइन चेक करके अपनी प्राथमिकता डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी के साथ जाना है दोस्तों यह मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैंने न्यूट्रल होकर किया है यदि आप मेरे से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रिड लिखें और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपकी राय मेरी राय से अलग है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें यदि आपको लगता है कि कुछ और पहलू को भी कंसिडर करना चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें मैं उसे कंसिडर जरूर करूंगा यदि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस फॉर यू की वीडियो जरूर देखें यकीन मानिए चाहे आपने कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना जमा कर ली हो आपको उसमें नई काम की जानकारी जरूर मिलेगी यदि आपको लाइफ में टर्म इंश्योरेंस की अहमियत समझनी है तो आप मेरी टर्म इंश्योरेंस का सच वीडियो जरूर देखें यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक तो पहुंच जाए और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद